नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कपूर आपका टेक टॉक्स के एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने हमारे इस सीरीज को इतना पसंद किया, हमें इतना प्यार भेजा। आपकी मेल्स हमें लगातार बता रही हैं कि आप टेक टॉक्स को कितना पसंद कर रहे हैं, कितना देख रहे हैं, और खासतौर पर हमारे जो एक्सपर्ट हैं उन्होंने आपका मन जरूर जीता, ऐसा हमें आपकी मेल से ही पता चलता है। सो सबसे पहले हम स्वागत कर रहे हैं GIS Spill के उस फाउंडर डायरेक्टर का जिसने इस सीरीज को पॉसिबल बनाया और हमारे को ऐसी राय दी साइबर सिक्योरिटी के ऊपर कि आज बहुत सी कंपनीज उसे फॉलो कर शायद एक सिक्योर जोन के अंदर अपना घर बना चुकी हैं। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर नवीन धाम का। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद डॉक्टर साहब। की टीम जो है वो लगातार हमारे को साइबर सिक्योरिटी की कुछ ऐसी बातें बताती रहती है, साइबर सिक्योरिटी के कुछ ऐसे हल देती रहती है जिसको हम टाइम टू टाइम अपने एपिसोड्स के अंदर शोकेस करते रहते हैं। दोस्तों, हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि आपको हम ऐसे लोगों से भी रूबरू कराएं जिन्होंने बिजनेस के अंदर बहुत ही ख्याति प्राप्त करी, ऊंचाइयां छुई, अपने दम से उन्होंने एक अपने मुकाम को ऐसा बनाया है कि आज वो दुनिया की नजर में आ चुके हैं। उन एक्सपर्ट से मिलाने का हमारा जो एक औचित्य रहता है, एक उद्देश्य जो रहता है वो यही रहता है कि आपको उनकी प्रॉब्लम्स भी हम लोग गिनाएं, उन्होंने अपनी प्रॉब्लम्स को किस तरीके से ओवरकम किया वो भी बताएं, और ओवरकम करके आज जिस मुकाम पर वो बैठे हैं वो उन्होंने कैसे बनाया। तो इसी सिलसिले को जारी रखते हुए आज हम यहाँ पर आमंत्रित कर बैठे हैं मोदी इंफोसॉल प्राइवेट लिमिटेड के दो ऐसे डायनेमिक डायरेक्टर्स को जिनसे मिलकर आपको बहुत ही खुशी मिलने वाली है। तो सबसे पहले स्वागत करते हैं मिस्टर अतुल मोदी का। नमस्कार जी। और मिस्टर अनुज मोदी, जो कि इस दोनों ने मिलकर जिन्होंने एक ऐसी चीज बनाई, ऐसी एक कंपनी का फॉर्मेशन किया जो वाकई में एक काबिले तारीफ है। लेकिन दोस्तों, ये नाम आपके लिए खास नया नहीं है। मोदी एक ऐसा नाम रह चुका है आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो शायद आज हमारे पीएम मोदी के बराबर की ख्याति प्राप्त कर चुका है। जी, 37 साल इस पुरानी कंपनी ने अपना एक ऐसा परचम लहराया आईटी इंडस्ट्री के अंदर जो आज इनके फादर के साथ साथ अतुल जी और अनुज जी ने भी उठा के रखा हुआ है। मोदी इंफोसॉल क्या नई चीजें लेके आया है मार्केट के अंदर, किस तरीके से आईटी इंडस्ट्री के अंदर फिर से एक नई छाप छोड़ने वाला है, ये हम समझेंगे। लेकिन उससे पहले स्वागत करना जरूरी है एक ऐसे सिक्योर प्लेटफॉर्म का जिसका नाम है क्लाउड एक्सेस, जहां पर रखते ही आपका डेटा ना तो सिर्फ फराटे से दौड़ने लगता है बल्कि सभी चीजों से सिक्योर भी रहता है। तो इसी के साथ शुरू करते हैं, आगाज करते हैं इस खूबसूरत से एपिसोड का। अतुल जी, बहुत बहुत स्वागत है सबसे पहले तो आपको, और बहुत बहुत बधाई है अनुज जी आप दोनों को कि आपने एक सेल जैसे ब्रांड को जो है जन्म दिया और बहुत जल्द ही मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। इंट्रोड्यूस कर चुके हैं, बट यस, फॉर जो हमारी एक वो है एस्पिरेशन, वहां लेके जाने वाले हैं। बहुत बढ़िया। तो इंट्रोडक्शन कब हुआ सर, मतलब कब लॉन्च किया हम लोगों ने एक्सेल को? तो पहले तो मैं थोड़ा सा अपनी कंपनी के बारे में बताना चाहूँगा। जी। सो वी आर सेकंड जनरेशन। मेरे पिताजी और चाचा ने ये ब्रांड शुरू किया था 37 साल, ब्रांड कंपनी शुरू की थी 37 साल पहले। वी स्टार्टेड विद इन मुंबई विद अ स्मॉल प्लेस एंड देखते ही देखते इट स्टार्टेड ग्रोइंग, वी केम टू दिल्ली एंड वी जॉइंड ऑलमोस्ट 20 ईयर्स बैक आफ्टर कम्प्लीटिंग आर स्टडीज। एंड उसके बाद जर्नी हैज़ बीन लाइक अ रोलर कोस्टर फॉर अस। बहुत नई नई चीज़ें करना चाहते थे, नई नई वो ऊँचाइयाँ पहुँचना चाहते थे, लेकिन बार बार रुके जा रहे थे। लेकिन आज गर्व से कह सकता हूँ कि वॉट वी वॉन्ट टू डू वी आर ऑन डैट पाथ एंड ग्रेजुअली इट विल कम आउट इन द मार्केट। बहुत बढ़िया। सो हम बात कर रहे थे जैसे अब एक्सेल के बारे में, जैसे अभी अपने ब्रांड के आप कंप्यूटर्स लॉन्च करने वाले हैं, कुछ खास या फिर आपको ऐसा लगा कि एक मेक इन इंडिया प्रोडक्ट होना चाहिए कंप्यूटर्स में भी? सो हमने एक्सेल को 2018 के अंदर जन्म दिया था। 2018 में हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे ब्रांड्स के डिस्ट्रीब्यूशन या उनके साथ काम करते थे, तो हम लोग डायरेक्टली उनसे कम्पीट नहीं करना चाहते थे। हमने क्या किया, एक्सेसरीज के माध्यम से मार्केट में एंट्री मारी और 4 साल तक एक्सेसरीज के साथ हमने मार्केट के अंदर, ऑफलाइन मार्केट के अंदर बहुत सारा काम किया। काम करते करते हमें रियलाइज़ हुआ किस तरह से हम चैनल पार्टनर के साथ काम कर सकते हैं, किस तरह से उनको समझा सकते हैं कि एक्सेल क्यों और क्यों नहीं। ये देखते देखते हमें रियलाइज़ हुआ कि अब हमारा टाइम आ गया है कि वह
हम लोग अपने ब्रांड से कुछ लॉन्च करें मार्केट में सब्सटैंशियल, जैसे कंप्यूटर होता है, क्योंकि लैपटॉप और डेस्कटॉप इसको आज के दिन किसी भी ब्रांड को सस्टेन करना अपने आप एक चैलेंज होता है जी। ऐसा नहीं है कि हमें एक्सपीरियंस नहीं है, हमने 96 के अंदर भी, 90s के अंदर भी हमने अपना कंप्यूटर लॉन्च किया था, जिसको हम लोग वेरियस गवर्नमेंट टेंडर्स के लिए डेवलप करते थे और मैन्युफैक्चर करके हम उनको बेचते थे। सो धीरे धीरे मल्टीनेशनल ब्रांड्स आए, उसके बाद हमने फिर उनके साथ अपना बिजनेस बढ़ाना शुरू किया, बिकॉज उनके स्ट्रैटेजीज, पॉलिसीज, मार्केटिंग काफ़ी अच्छी होती थी। इन चीज़ों को देख के फिर हम लोगों ने 96 के बाद सीधा हमने 2023 के अंदर हमने पहला ट्रायल के लिए एक लैपटॉप लॉन्च किया था, जिसको हम एजुकेशन बेस्ड लैपटॉप बोलते हैं। ये लैपटॉप मात्र 15,000 रुपए की रेंज में था, और इससे हमारा टारगेट ये था कि जिन बच्चों को आज के दिन कोविड के टाइम पे या बाकी पुराने टाइम्स पे एक्सेस नहीं मिला था कंप्यूटर्स का, वो आगे जाके उनको ये एक्सेस कंटिन्यूस मिलता रहे। ओके। तो हमारा सबसे पहला पर्पस ये था, उसी के लिए हमने अपने ऑनलाइन पार्टनर्स जितने अमेजोन, फ्लिपकार्ट, इवन रिलायंस के काफी सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ हमने टाइप किया और इसको मार्केट में बेचना शुरू किया। इनिशियली 2-3 महीने हमें लगा कि इसको कैसे आगे पुश करना है, कैसे मूव करना है, बट हम लोगों ने हार नहीं मान के अपने मार्केटिंग के ऊपर, अपने सेल्स इंजन के ऊपर कंटिन्यूसली फोकस किया। और आपको ये बताना चाहूंगा कि पिछले साल हमने 10,000 से ऊपर लैपटॉप्स बेचे हैं, और इसके अंदर हमें काफी पॉजिटिव रिव्यूज मिले हैं, बिकॉज जिन लोगों को लैपटॉप्स का, अफोर्डेबल लैपटॉप्स का एक्सेस नहीं होता था, वो आज हमारे लैपटॉप्स को यूज करके अपना डे टू डे काम कर पा रहे हैं, या फिर बच्चे जो पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे वो पढ़ाई करना शुरू कर चुके हैं जी। हमारा टारगेट ये भी है कि हम फैक्ट्रीज के अंदर जो वर्कर्स हैं जो अपने बच्चों को लैपटॉप्स नहीं दे पाते, वहां पर भी ये लैपटॉप्स दे पाए। नो वंडर सर, आप लोगों ने जितना काम किया है वो अब रंग लेके आ रहा है, और मोदी इंफोसोल तो बहुत ही ख्याति प्राप्त करके बैठा हुआ, लेकिन आई एम श्योर एक्सेल भी काफ़ी ऊंचाइयां छुएगा। लेकिन जैसे हम लोग से टिकटॉक्स के अंदर सिक्योरिटीज़ की बातें करते हैं, हम लोग ये कोशिश रहती है हमारी कि हम लोग किसी भी टेक्नोलॉजी की बात करें तो उसमें ये ढूंढें कि उसमें सिक्योरिटी लैप्सेस कौन कौन से हैं। तो मैं चाहूँगा एक बार डॉक्टर नवीन हमें कुछ बात बताएं कि जब हम कोई सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर लॉन्च करते हैं तो उसमें हमारे को किस तरह की खामियां आ सकती हैं। डॉक्टर साहब, आपने हमारे को काफ़ी बार सेक डेव ऑप्स के बारे में बताया है, जहां पर सॉफ्टवेयर डेवलप करते समय इस सीक्वेंस का ख्याल रखा जाता है। तो हार्डवेयर जब ये लॉन्च कर रहे हैं नया, तो इसके अंदर आपको क्या लगता है कि शुरुआत से यदि हम कुछ चीज़ों का ध्यान रखें तो वो बहुत ही अच्छी एक इमेज छोड़ के जाएगा, एक बहुत ही अच्छा एक पहचान बनाएगा अपनी मार्केट के अंदर? राइट। इसमें जब जैसे आप हार्डवेयर की बात कर रहे हैं कि हार्डवेयर जब ये लॉन्च कर रहे हैं, जब इन्होंने लैपटॉप अपना लॉन्च किया, तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट होती है बायर्स। तो बायर्स जो हम उसमें लगाते हैं, तो आज पहले क्या होता था कि बायर्स जो है हार्ड कोडेड होती थी, उसमें चेंजेस नहीं किए जा सकते, पर आजकल वेंडर्स ने अपनी कन्वीनियंस के लिए उसको अपडेटेबल बायर बना दी, जिसमें कि वो रिमोटली भी उसे अपडेट कर सके, राइट। तो रिमोटली अपडेट करने के लिए उन्होंने उसको फ्लैश बायर बना दिया कि अगर वो कहीं भी बैठे हैं या वो अगर एक नया पैच लॉन्च करते हैं तो आप उसको डाउनलोड करके अपनी फ्लैश को अपडेट कर सकते। तो ये इससे कन्वीनियंस तो बढ़ गई वेंडर्स की, बट हैकर्स के लिए भी आसान हो गया उसको हैक करना। तो उसके लिए एक बायोस रूट किट अटैक होता है। तो जो रूट किट अटैक में हैकर क्या करता है कि उस बायोस को अपडेट कर देता है मलिशियस सॉफ्टवेयर से, और जब वो मलिशियस सॉफ्टवेयर उस बायोस में आ गया तो फिर हैकर के पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट और पूरा कंट्रोल आ जाता है आपके सिस्टम का, और वो फिर उसके साथ कुछ भी कर सकता है। तो जब भी हम बायोस बना रहे हैं तो इंश्योर करें इनकी वो प्रॉपरली हार्डन, जो उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डाल रहे हैं वो बिल्कुल हार्डेंड होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, और टेस्टिंग के बाद उसमें प्रॉपर ये जो सिक्योरिटी टेस्टिंग होती है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग करके ही उसको प्रॉपर उसमें डाला जाए, और जब भी उसके अपडेट्स आते हैं तो उसको भी टेस्ट करके ही जो है अपडेट किया जाए। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो कि जब एक हार्डवेयर को आप लॉन्च करने जा रहे हैं तो वो चीज आप ध्यान में। डॉक्टर धाम की एक खूबी है कि यदि हमसे कुछ भी पूछते हैं सॉफ्टवेयर के बारे में या हार्डवेयर के बारे में, इनके पास कोई ना कोई राय हमें देने के लिए रहती है। आज भी इन्होंने जो बहुत ही अच्छी एडवाइस दी, लेकिन आई एम श्योर सर, इट्स इस स्केल पे, जिस स्केल पे आप लोग इसको लॉन्च कर रहे हैं, ये सब पहलू आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके होंगे या पहचान चुके होंगे। सो आप अपनी जुबानी बताइए कि एक्सेल किस तरीके से ज़्यादा सिक्योर है।
सो एक्सेल एक तो कम्प्लीटली मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया है. सो उसमें सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास पूरे सिस्टम का कंट्रोल है. इनका डिज़ाइन भी इंडिया में ही बन रहा है और आगे जाके हम इनके मेन स्ट्रीम प्रोडक्ट्स जो है i3, i5, i7 इस तरह के लैपटॉप्स भी लॉन्च करने वाले हैं, जो हमारा नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड्स प्लान है. इसी के लिए हमने GISPL में डॉक्टर नवीन धाम से भी बात करी थी और उनसे पूछा था कि किस तरह से हम इस लैपटॉप को और सिक्योर कर सकते हैं और किस तरह से इसकी फंक्शनैलिटी बढ़ा सकते हैं अपने यूजर्स के लिए. तो जैसे बोला जाता है गाड़ी में पेट्रोल के बिना नहीं चलता, वैसे ही लैपटॉप के अंदर डेटा के बिना काम नहीं चलता. सो उन्होंने बहुत अच्छी एडवाइस ये दी हमें, कहा कि आप ऑफलाइन जो काम कर रहे हैं कस्टमर्स आपके, उसका बैकअप कैसे ले सकते हैं. तो जिस तरह से हम ये समझिए कि हम ऑफलाइन तो काम कर रहे हैं लेकिन जैसे ही वो कभी भी ऑनलाइन आएगा, तो हमने इनसे बात करके क्लाउड का एक्सेस इस तरह से दिया है कि वो क्लाउड डायरेक्टली उसका पिंग करते हुए उसका बैकअप ले लेगा. ओके, दैट्स वंडरफुल. सो दिस वे द कस्टमर्स वुड ऑलवेज बी प्रोटेक्टेड इन टर्म्स ऑफ कीपिंग वन कॉपी ऑफ देयर डेटा इन द क्लाउड. बहुत बढ़िया. सो दोस्तों, यूं ही नहीं कोई ब्रांड बन जाता है, उसके पीछे रिसर्च होती है, उसके पीछे बहुत नॉलेज जाती है, टाइम जाता है. और इसका एक अंदाज़ा आपको इससे भी लग सकता है कि हमारे को अतुल जी बताने वाले हैं उसके बारे में कि एक जो किताब उन्होंने लिखी थी सिस्टम इंटीग्रेटर्स गाइड टू विन हाई टिकेट ऑर्डर्स, इसके पीछे क्या सोच थी और उन्होंने जब इसको लिखा तो आपको मार्केट से कैसे रिव्यूज़ मिले? सो ये बुक मैंने अनुज ने मिलके रिसेंटली लिखी है एंड द आइडिया बिहाइंड दिस बुक वाज वी आर अ चैनल सेंट्रिक कंपनी, वी वर्क विद द चैनल ओनली एंड वी डू एंड डाई विद देम. सो चैनल में हम देख रहे थे दे आर फेसिंग लॉट ऑफ इश्यूज इन इन देयर माइंडसेट टू ग्रो द बिजनेस. सो ये बुक प्राइमरीली टारगेट कर रही है हमारे चैनल के माइंडसेट पे, क्योंकि माइंडसेट को ब्रेक करके किस तरह अपना बिजनेस को 10x ग्रो कर सकता है. ठीक है, जस्ट ऑन डैट छोटी सी किताब है जो मेरे ख्याल से पूरे चैनल को पढ़नी चाहिए एंड लॉट ऑफ पीपल हैव रेड इट एंड गिवन अ वेरी गुड रिव्यू अबाउट द बुक. वंडरफुल. सो दर्शकों, ये आप हमारे स्क्रीन पे देख रहे हैं इस किताब को और ये किताब डेफिनेटली आपके बहुत काम आने वाली है. यदि आप एक सिस्टम इंटीग्रेटर नहीं भी हैं तब भी एक बिजनेस आस्पेक्ट को अच्छे से समझने के लिए इस किताब को आप पढ़ सकते हैं. डॉक्टर साहब, मैं आपके पास आना चाहूँगा फिर से एक बार. मैं आपसे समझना चाहता हूँ कि अभी हमारे को अनुज जी ने समझाया कि किस तरीके से अपने हार्डवेयर को ज़्यादा सिक्योर करने के लिए एक ऑफलाइन बैकअप इंट्रोड्यूस करी है. सो आपका आपके ज़रिए हम इसको और डिटेल में समझना चाहेंगे सर, ये क्या चीज़ होती है? उसमें क्या है कि आप जब लैपटॉप पे उस क्लाउड को कॉन्फ़िगर कर देंगे तो एक तो वो क्लाउड जो है वो जो है आपका जीरो फुटप्रिंट क्लाउड है, राइट. फुटप्रिंट में ये फायदा होता है कि जब हैकर आपके लैपटॉप पे आया, अगर आपने उस पर कोई क्लाउड को लॉगिन किया है तो वो आप अगर आपने लॉग आउट भी कर दिया है क्लाउड तो वो आपके फुटप्रिंट्स चेक करके उस क्लाउड पे चला जाता है, राइट, और आपको अटैक कर सकता है. बट यहाँ पर जो क्लाउड यूज किया गया है वो जीरो फुटप्रिंट क्लाउड है. अगर आप लॉग इन करने के बाद लॉग आउट कर भी दोगे तो वो जो हैकर अगर आ गया आपके सिस्टम पे तो उसको फुटप्रिंट नहीं मिलेंगे, क्योंकि इस क्लाउड में ये विशेषता है कि जब वो आप लॉग आउट करते हो करने के साथ ही वो सारे फुटप्रिंट भी रिमूव कर देता है. तो कि आपने इसमें कुछ लॉग इन किया था कि नहीं किया था हैकर को पता ही नहीं लगेगा, तो वो आपके जो है क्लाउड पे जा ही नहीं सकते. तो इसकी ये बहुत बड़ी खासियत है जिसमें कि जो बैकअप आपने अगर क्लाउड पे लिया तो बिल्कुल सेफ है. और दूसरा इसमें एक सिक्योर्ड वॉल्ट भी है. सिक्योर्ड वॉल्ट में क्या किया गया है कि आपके क्लाउड के अंदर दूसरा क्लाउड है जहां पर आपका डेटा सेव हो रहा है, तो वो अगर हैकर समझ लो चला भी गया किसी तरह आपके क्लाउड पे फिर भी वो आपको उसको कुछ नहीं मिलेगा उस पे, क्योंकि उसके अंदर भी एक क्लाउड है जो कि उसको पता ही नहीं है खोलना कैसे. तो उसको खोलने के लिए भी हम कुछ की पैटर्न्स देते हैं जो यूज करके उसको खोला जाता है. तो उस हैकर को पता ही नहीं कि वो यहाँ पर कुछ उसको ना कोई उसको आइकन मिलेगा ना कुछ मिलेगा. ही हैज टू एंटर द मैनुअल पैटर्न और वो उसको पता नहीं है तो इसलिए वो उस क्लाउड पे जा भी नहीं सकता. तो इस तरह से जो है हमने काफी सिक्योर है, मतलब काफी लेयर्स है सिक्योरिटी की. लेकिन क्लाउड तो हमेशा ही ऑनलाइन काम करता है, ऑनलाइन इंटरनेट होगा तो क्लाउड काम करेगा. तो ये ऑफलाइन बैकअप ऑन क्लाउड से हमारा क्या मतलब है?
देखिए क्या होता है, नॉर्मली कंपनी क्या करती है, क्लाउड के ऊपर लॉग इन करके उस पर काम करती है और वहीं पे डेटा सेव करती है, जिसके लिए हमें एकदम कंटिन्यूस इंटरनेट कनेक्शन चाहिए होता है। बट ऐसे कुछ ऐसे केस हैं जहाँ आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और आप ऑफलाइन काम कर रहे हैं, तो पहली बात तो है कि जैसे ही वो ऑफलाइन डेटा सेव अपने लैपटॉप, ऑफलाइन मीन्स अपने लैपटॉप की हार्ड डिस्क के ऊपर उनका डेटा सेव हो रहा है, और जैसे ही उनके पास इंटरनेट कनेक्शन आता है तो वो इमिडिएटली जो है बैकअप ऑनलाइन कर देते हैं, आपके डेटा को बैकअप करके क्लाउड पे जो है उसको अपलोड कर देते हैं। तो ये कंसेप्ट है। और अगर आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है भी तब भी वो ऑफलाइन काम हो रहा है, पर कुछ पर्टिकुलर इंटरवेल्स पे जो है आपका डेटा अपने आप बैकअप हो रहा है सर्वर पे, तो ये है आपका पूरा कंसेप्ट ऑफलाइन। सो दिस इज वंडरफुल फ्रेंड्स, अगर आप ब्रांड लॉन्च ही कर रहे हो तो उसको ऐसे फैनफेयर के साथ लॉन्च करो कि दुनिया देखे, और साथ ही में उसके अंदर ऐसे फीचर्स डाल दीजिए कि दुनिया उसको बार बार देखे। सो ऐसा ही कुछ अनुज जी और अतुल जी ने किया अपनी कंपनी के साथ में। लेकिन डेफिनेटली मैं समझना चाहूँगा अनुज जी, एक सेल आज की डेट के अंदर कहाँ कहाँ अवेलेबल है और उसको हम लोग कैसे हासिल कर सकते हैं? सो एक्सेल आज के दिन जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड देयर आर कपल ऑफ मोर, सभी जगह अवेलेबल है। इसके अलावा हमारे पास 500 प्लस पार्टनर्स हैं जिन पे ऑफलाइन ये अवेलेबल रहता है चैनल के थ्रू। हम सारी सिटीज तो अभी कवर कर नहीं पाए, बट हमारा प्लान है कि हम नवंबर के अंदर अक्रॉस इंडिया मल्टीपल लोकेशन पे जाके ऐसे कॉन्क्लेव्स करेंगे जिसमें हम पार्टनर्स को एनरोल करेंगे और अपनी ब्रेथ और बढ़ाएंगे। इसके बियॉन्ड हमने रिलायंस से भी टाइप किया था, जिसके अंदर उन्होंने अपने डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में काफ़ी सारे पार्टनर्स को ये प्रोडक्ट दिया था। And Wonderful. beyond that, it is also available on excelworld.com, which is our website where people can come and directly order with us. And they have our numbers also over there. So if they want, they can call us and we can try and connect them with any other, any partner which is available in that area. Wonderful. Atul ji, मेरे को आपसे सुनने को मिला कि Android OS भी हम लोग लेट के आने वाले हैं। Yes. So तो कितना different रहने वाला है एक Microsoft OS से Android OS? So, मुझे लग रहा है कि आने वाले टाइम पे एंड्रॉयड की भी काफ़ी डिमांड रहने वाली है। एंड अगेन इट इज़ अ प्लेटफॉर्म जो फिलहाल बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अवेलेबल है, एंड आई थिंक सो इट्स अ गुड सेगमेंट टू वर्क ऑन। मतलब आज के एजुकेशन पैटर्न थोड़ा चेंज हो रहा है, लोग माइक्रोसॉफ्ट के साथ एंड्रॉयड में भी वर्क करना चाह रहे हैं, तो दैट इज़ द होल आइडिया ब्रिंग इन टू गिव अ चॉइस टू आर कस्टमर्स सो दैट They are not bound with. मतलब हार्डवेयर ज़्यादा इंटरैक्टिव बन जाएगा, मतलब हम लोग ज़्यादा इन्वॉल्व कर पाएंगे। सी इवॉल्व तो नहीं कह सकते, लेकिन अगेन एंड्रॉयड एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म है विच इज़ अ वेरी अपकमिंग एंड फास्ट मूविंग फ्रॉम गूगल, एंड ऑलमोस्ट सारी चीज़ें जो आप माइक्रोसॉफ्ट पे कर सकते हैं उसे एंड्रॉयड पे भी कर सकते हैं। सो दैट इज़ द होल आइडिया कि हम कस्टमर को चॉइस दे सकें कि भाई आप वॉट एवर यू वॉन्ट टू चूज। So especially we'll be targeting the education segment again with that product. So we'll give a choice to the students कि वो जिस platform पे comfortable हैं उस platform पे वो काम कर सकें। अच्छा, आपने एक बार ये भी कहा कि government segment जो है वो आप उसको थोड़ी सी awareness और बढ़ाना चाहते हैं वहाँ पर आपके products, क्योंकि इतने secure हैं और ये आपने securities का ही पूरा ख्याल रखा है वहाँ पर। Right. तो कोई खास approach जो government तक ले जा रही है आपको? सो गवर्नमेंट की आज के दिन सबसे बड़ी बाइंग जो होती है जेम पोर्टल पे होती है, गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस बोलते हैं उसको। सो हमने अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते ही सबसे पहला काम ये किया था कि हमने उसको गवर्नमेंट की मार्केट प्लेस पे अवेलेबल कर दिया था। सो टुडे इफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कोई भी डिपार्टमेंट अगर ये लैपटॉप खरीदना चाहता है तो इमीडिएटली वो जेम के ऊपर अपने टेंडर के थ्रू हमसे बाई कर सकता है। एंड बियॉन्ड दैट ऑल्सो हमने मल्टीपल पार्टनर्स के साथ काम करते हैं, तो अलग अलग टेंडर्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर वेयर पीपल आर पार्टिसिपेटिंग विद आर ऑथराइजेशन, एंड उन्होंने टेंडर्स विन भी किए हैं। सो कपल ऑफ एजुकेशन डिपार्टमेंट्स इन गवर्नमेंट ऑल्सो इंस्टॉल्ड आर लैपटॉप्स इन देयर लैब्स, सो उसको यूज करके स्टूडेंट्स हैव बीन लर्निंग एंड इट इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म फॉर गवर्नमेंट एज वेल एज एजुकेशनल्स बोथ। तो सर वैसे मेरे को बड़ा इंटरेस्ट रहता है जानने का कि एक व्यक्ति जब मैन्युफैक्चरिंग लाइन में हो तो वो अपनी प्रोडक्ट को सेल कैसे करता होगा। मैं अपने आप में समझता हूँ कि शायद मेरा एक रुझान है उसको जानने का। तो मार्केटिंग का कोई खास तरीका अपनाया गया है या फिर कन्वेंशनल तरीके से ही कर रहे हैं? तो हम लोगों ने मार्केटिंग के अंदर हमारे जो गुरु हैं जिन्होंने हमें सिखाया है मिस्टर एवाई है, तो उन्होंने हमें ये समझाया था कि देखो हर प्रोडक्ट हर कस्टमर के लिए नहीं बनता, तो सबसे पहले तो हमने ये देखा कि हमारा प्रोडक्ट कौन से कस्टमर के लिए फिट बैठता है
और हमने अपनी मार्केटिंग के सारे एफर्ट्स उसी कस्टमर के अराउंड किए। एक स्पेशल हम लोग सबसे ज़्यादा जो काम करते हैं वो सिस्टम इंडिकेटर्स या चैनल पार्टनर्स के थ्रू करते हैं। सो हम लोग इनेबल करते हैं बार बार अपने साथ साथ कि किस तरह से वो अपने आउटलेट से या अपने ऑफिस से हमारे प्रोडक्ट की मार्केटिंग कर सकते हैं। तो हमने इसका पूरा एक इंजन बनाया है जिसके थ्रू हम उनको इनेबल कर रहे हैं वो अपने करंट प्रोडक्ट्स भी और साथ में हमारे प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट कर सकें। सो इससे उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आया है जिसके थ्रू हमारी रीच बढ़ती जा रही है डे बाई डे। तो आपको ये लगता है कि सर डिजिटल जो है वर्ल्ड जो है वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग माध्यम हो सकता है सेल का? बिल्कुल, डिजिटल प्लेटफॉर्म से नॉलेज शेयरिंग बिकम्स वेरी फास्ट एंड अगर उसको राइट तरीके से किया जाए तो इट्स वेरी इजी टू टारगेट योर मार्केट जिस मार्केट में आप काम करना चाहते हो। वंडरफुल डॉक्टर साहब, मैं आपके पास मुखातिब होना चाहूँगा अब इसके बाद, बिकॉज हम लोगों ने ये समझ लिया कि एक माइक्रोसॉफ्ट ओएस है और एक एंड्रॉयड ओएस है जिसके ऊपर एक्सेल जो है वो अपने आप को बेस करने वाला है, एक्सेल के प्रोडक्ट्स अपने आप को बेस करने वाले हैं। दोनों में सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स जो हैं वो कितने भिन्न हैं और कैसे कैसे चैलेंजेस वो प्रोड्यूस करते हैं? जैसे आपने कहा कि विंडोज और एंड्रॉयड दोनों तरह के ओएस यूज करने जा रहे हैं एक्सेल ब्रांड में, तो जब आप विंडोज की बात करो तो उसमें भी पैचिंग अपडेट्स होते हैं जो कि आपको पैचेस अपने अपडेट करने पड़ते हैं, एंटीवायरस इंस्टॉल करना पड़ता है। सेम टू सेम आपको एंड्रॉयड में भी इंस्टॉल करना है कि टाइम टू टाइम उसके पैचेस जो आ रहे हैं वो अपडेट हो रहे हैं और एंटीवायरस डाला जा रहा है। तो अगर आपको दोनों की कंपैरिजन करोगे तो दोनों सेम ही लेवल पर हैं क्योंकि दोनों ही एक अच्छी सिक्योरिटी देते हैं अपने कस्टमर्स को और उसमें हैकिंग अटैक्स का जो है बहुत ही कम चांस है। तो अनुज जी, हमारा मतलब हर एक कंपनी का एक जब हम कुछ करते हैं ब्रांड बनने की तरफ को बढ़ते हैं तो एक हम लोग अपनी विजन को लेके चलते हैं, हम लोग चाहते हैं कि हम लोग एक वर्ल्ड नोन ब्रांड बने, तो इस तरफ आपके क्या कदम उठ रहे हैं? सो एज एक्सेल हमारा विजन ये है कि इस साल जैसे हमने डेस्कटॉप्स, लैपटॉप और सर्वर्स तीनों मेक इन इंडिया में शुरू कर दिए हैं एंड ये हमारा विजन जो शुरू हुआ था हमारे प्रिय नरेंद्र मोदी जी के सपने के थ्रू हुआ था जिनमें उन्होंने बोला था कि मेक इन इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होनी चाहिए इंडिया के अंदर। सो इसी को ध्यान रखते हुए अब हम इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग करते हुए एक ग्लोबल ब्रांड बनाना चाहते हैं और ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं जो ग्लोबली सब जगह एक्सेप्टेड हो। सो हमारा विजन ये है कि सबसे पहले हम इंडिया के अंदर इसकी मार्केटिंग करें और सेल्स करें, उसके बाद धीरे धीरे हम बाकी कंट्रीज में भी जाके अपने प्रोडक्ट का झंडा फहराएं। अच्छा सर, ये जो हम लोगों ने सिक्योरिटी की बातें तो अभी करी, काफ़ी हद तक मेरे को डॉक्टर साहब ने समझाया भी है, हमें समझाया राधर। सो लेकिन साथ ही में आप एक और भी कदम बढ़ा रहे हैं अपना स्टेल्थ की तरफ, ये क्या चीज़ है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, क्या चीज़ है? जैसे कि आपने अभी जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि डॉक्टर साहब से मेरी बात होती रहती है और वो हमें अलग अलग एडवाइसेस देते रहते हैं। सो डॉक्टर साहब ने मुझे एक ऐसी नई टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जो इंडिया में अभी बहुत कॉमनली अवेलेबल नहीं है जिसको बोलते हैं स्टेल टेक्नोलॉजी। इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आप हार्डवेयर नेटवर्क के ऊपर रखते हैं वो ट्रेसेबल नहीं होता, क्योंकि वो ट्रेसेबल नहीं होता तो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एनी कॉम्प्रोमाइजर्स या हैकर्स कि वो उसको ढूंढ के उसको अटैक कर सके। तो आई थिंक अभी तो ये कॉमन नहीं है बट आने वाले टाइम में वी वांट टू मेक इट कॉमन फॉर एवरीबॉडी अलोंग विद आवर हार्डवेयर सॉल्यूशन। सो डॉक्टर साहब, क्योंकि आप ही ने ये सजेशन दी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी की, ये क्या चीज़ है हमारे को डिटेल में बताइए प्लीज। देखिए इसमें क्या होता है कि जो आपका सर्वर है जिस पर आपका डेटा सेव हो रहा है, नॉर्मली क्या होता है कि हर सर्वर का हर हार्डवेयर का एक आईपी एड्रेस होता है और हैकर्स नॉर्मली क्या करते हैं उस आईपी एड्रेस को या जो आपका यू आर एल है उसको देखकर उसको उस पर वो अटैक करते हैं, राइट। तो अटैक भी तरह तरह के होते हैं जैसे कि ब्रूट फोर्स अटैक हो गया समझ लो, जिसमें कि वो न्यूमरस पासवर्ड यूज करते हैं एक आईपी को यूज करके, उसमें यूजर नेम पासवर्ड क्या है। बट यहाँ पर क्या है स्टेल्थ में, अगर वो आपका आईपी एड्रेस चुरा भी लेता है या उसको आईपी एड्रेस आ जाता है प्रॉपर पूरा आपका यू आर एल आ जाता है, तब भी अगर वो उसको पिंग करना चाहे या उसको उस पर अटैक करना चाहे, उसको ढूंढना चाहे, तो वो उसको ढूंढ नहीं सकता। आईपी एड्रेस होने के बाद भी वो नाकाम है क्योंकि उसको पता ही नहीं लगेगा कि वो है कहाँ, क्योंकि वो उसको नेटवर्क वो नेटवर्क में है ही नहीं एक तरह, राइट। तो हैकर कुछ भी नहीं कर सकते उस चीज में क्योंकि सब कुछ होते हुए भी उनके पास कुछ नहीं। तो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्टेल्थ टेक्नोलॉजी, एक नॉर्मल भाषा। बहुत खूब सर,
बहुत खूब। अगर मैं लेमन लैंग्वेज में बोलूं तो आप मुझे करेक्ट कर दीजिएगा यदि मैं अपने दर्शकों को ठीक से नहीं बता रहा हूं तो। दर्शकों, ये जो मैं समझा हूं अभी डॉक्टर साहब से, वो ये कि एक कंप्यूटर जो नेटवर्क पे पड़ा हुआ है लेकिन फिर भी आपको नहीं दिखता, यदि हम लोग उसको किसी भी तरीके से ढूंढना चाहें नेटवर्क के ऊपर, जो भी खोजबीन की तरीके बने हुए हैं नेट के ऊपर, यदि आप उसे खोजना चाहें तो शायद उसका नाम हमें नहीं दिखेगा कहीं पे भी। और लेकिन हम लोग उसके ऊपर वैसे ही काम कर रहे होंगे जैसे कि हम लोग किसी नॉर्मल नेटवर्क से जॉइंट कंप्यूटर के ऊपर करते हैं। डॉक्टर साहब, मैंने कहीं गलती करी हो तो आप बताइएगा प्लीज़। बिल्कुल ठीक कहा जी, धन्यवाद। दोस्तों, जहां हम लोग बात करते हैं अगर एक प्रोडक्ट को लेके आने की मार्केट में, वहीं हमको बात करनी पड़ती है कि आज की दुनिया के हिसाब से हमें बात करनी पड़ती है क्या वो इतना सिक्योर हो पाएगा, क्या यूजर जब हमारे हार्डवेयर को या सॉफ्टवेयर को यूज करेगा तो क्या वो सिक्योरिटी का आनंद ले पाएगा जो हम लोग इस प्रोग्राम के जरिए आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपने देखा डॉक्टर नवीन धाम बिल्कुल सजग हैं, बिल्कुल अलर्ट हैं, और मोदी इंफोसॉल को यदि वो गाइड कर सकते हैं तो क्यों नहीं आपकी कंपनी को भी कर सकते हैं। तो उनसे यदि मिलना चाहते हो तो आपके नंबर्स मैं यहाँ पर दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर सकते हैं, सिक्योरिटी सॉल्यूशंस वो आपकी तरफ पहुंचा सकते हैं। सिमिलरली एक्सेल एक ऐसा ब्रांड बनने जा रहा है दोस्तों, रादर मैं तो ये कहूंगा कि एक्सेल ऑलरेडी एक ब्रांड बन चुका है, लेकिन डेफिनेटली जैसे अनुज जी ने बताया हमारे को, उसकी एक विजन है जो कि ग्लोबल है। तो उस ग्लोबल की तरफ जाते हुए हम यदि एक्सेल को अपने पास हासिल करना चाहते हैं, हम चाहें कि आने वाले समय में हम भी बोल सकें कि वी आर प्राउड ओनर्स ऑफ एक्सेल, तो एक्सेल को पाने के लिए जो आप कॉन्टैक्ट्स यूज कर सकते हैं वो नंबर्स, वो हम वेब एड्रेसेस यहाँ पर आपको दे रहे हैं, आप एक्सेल को अपना बना सकते हैं दोस्तों बहुत जल्द। और साथ ही में मैं अतुल जी और अनुज जी दोनों को एक थैंक्स बोलना चाहूँगा कि आपने समय निकाला, हमारे को एक्सेल के बारे में बताया, हमारे को ये बताया कि कैसे एक हार्डवेयर एक सिक्योरिटी का पूरा ध्यान रखते हुए भी बनाया जा सकता है। सबसे बड़ी बात सर, वो मेड इन इंडिया है। मैं आपको इसके लिए खास बधाई देना चाहता हूं, मोदी जी की विजन के साथ में अपनी विजन को आपने अलाइन किया। दोस्तों, इसी के साथ अपने इस प्रोग्राम को मैं यहाँ विराम देता हूँ, अपने शब्दों को यहाँ विराम देता हूँ, और आपसे ये वायदा करता हूँ कि अगले एपिसोड्स और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हम लोगों ने ये फैसला किया है कि हम लोग आपसे ऐसे टेक्नोलॉजिकल गुरुज को मिलाते रहेंगे और उनके जरिए आपको बताते रहेंगे कि टेक्नोलॉजी के अंदर गैप्स कहाँ कहाँ उत्पन्न हो रहे हैं, और हमारी डॉक्टर नवीन धाम के अगुवाई के अंदर जो टीम बनी है साइबर सिक्योरिटी की, वो कितना बेहतरीन उन सभी प्रॉब्लम्स को एड्रेस कर पा रही है। दोस्तों, क्लाउड एक्सेस से जुड़ने के लिए आप ये नीचे दिए गए नंबर्स को डायल कर सकते हैं, और यदि आपके पास भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग है जैसा कि मोदी इंफोसॉल के पास था, तो आप भी हमारे को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमारे इस प्रोग्राम के अंदर शामिल हो सकते हैं, नंबर्स हमारे यहाँ दिए जा रहे हैं, जल्द ही मुलाकात कीजिए। धन्यवाद।